Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. माता माता, अभी तो इन तीनों देवियों ने ढाल बनकर इस प्रचंड प्रकाश को रोक दिया है, किंतु इस प्रकाश के भयंकर प्रभाव का अंत कैसे होगा? माता देवी मंत्रीनाथ, आज से ही हमारे नेत्र मनुष्य और भगवान में, देवी देवता और असुर में, सभी को उनके भिन्न रूपों में देख सकते, जो कि सत्य नहीं, क्योंकि सत्य तो अद्वैत, जो प्रकाश के कारण द्वैत के भ्रम से ढक जाता है। किंतु जब प्रकाश के अभाव से एक गहन अंधकार उत्पन्न होता है, तब दृष्टि द्वारा उत्पन्न ये सभी भेद मिट जाते हैं, तब मेरी संपूर्ण रचना एक हो जाती है। जिस प्रकार कुटिलता भरे अंधकार पवित्र ज्योति अपनी पूर्णता से मिटाती है, उसी प्रकार प्रचंड आसुरी द्वेत के प्रति इस प्रकाश का नाश एकमात्र संपूर्ण अंधकार ही कर सकता है। मैं आपका संकेत समझ गई माता, कि मुझे इस अंधकार का विस्तार करना होगा। माना है कि ये देवी तो अत्यंत भयंकर दिखाई दे रही है। दोस्तों, तुम्हारे इस विनाशकारी प्रकाश को अंधकार से नष्ट करूंगी मैं ही। हमारे प्रकाश को तुमने नष्ट किया ना, तो अब हम तुम्हारे प्राणों का नाश करेंगे देवी। तुम्हारा ये भ्रम अब तुम्हारे साथ ही मिटेगा। दूर तसुरों, सूर्य देव का ये पावन प्रकाश जो अपनी ऊर्जा से सबको जीवन प्रदान करता है, उसे तुमने मृत्यु का, विनाश का अस्त्र बनाना चाहा। उसके दंड स्वरूप में इस यम रूपी अंधकार से तुम्हारा विनाश करूंगी। ये बाण तो जैसे साक्षात यमराज ही है। जीवन मृत्यु के अंधकार में प्रवेश करेगा। yeah!
तिरस्कारनी की जय। माता तिरस्कारनी की जय। श्री माता ललिता की जय। माता तिरस्कारनी की जय। श्री माता ललिता की जय। सूर्यास्त के साथ मेरे भला योद्धाओं का भी अस्त हो गया। भंडासुर, मैंने कहा था ना, युद्ध छल कपट से नहीं उचित रणनीति और पराक्रम से जीते जाते हैं। अभी भी समय है, इस पराजय के साथ अपने पतन को रोक दो। अपने सर्वस्व को खोने के पूर्व श्री माता ललिता से क्षमा याचना कर उनके शरणागत बन जाओ। प्रभु, आज के इस युद्ध में मैं अवश्य पराजित हुआ हूं, किंतु आपके आशीर्वाद से विजय तो मैं प्राप्त करके ही रहूंगा। जब विनाश आहट देता है तो वो सर्वप्रथम जीव की बुद्धि पर आघात करता है, जो तुम्हारे साथ भी हो रहा है। भंडासुर, त्याग दो अपने इस मिथ्या विश्वास को कि तुम अपनी इस कपट योजना में सफल हो सकोगे, अन्यथा तुम्हें तुम्हारे सर्वनाश से कोई नहीं बचा सकेगा। प्रभु, जब आप स्वयं मंगल मूर्ति हैं, स्वयं विघ्नहर्ता प्रभु गणेश जी मेरे साथ हैं, तो किसी हम मंगल का भय क्यों करूं मैं? बस आप अपने वचन पर स्थिर रहकर यही रहिए। इसलिए जब तक मैं मोदक प्रस्तुत करना ना रोकूं, आप ग्रहण करते रहिएगा। खाइए प्रभु। पुत्र गणेश की असुविधा तो बढ़ती जा रही और इस दुविधा से तो मुझे बहुत चिंता हो रही। ये मैं कदापि सहन नहीं करूंगी। माता, चिंता तो मुझे भी हो रही है। प्रभु इसी प्रकार मोदक खाने पर विवश रहे तो कहीं उनका पेट ही ना फट जाए। नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। मेरे पुत्र का कोई अहित हो, ये मैं कदापि सहन नहीं करूंगी। तुम्हारी विजय की कल्पना कभी सत्य नहीं होगी भंडासुर, क्योंकि इस धर्म युद्ध में जय धर्म की होगी। जिस प्रकार आज श्री माता ललिता ने तुम्हें पराजित किया, उसी प्रकार कल भी वो तुम्हें पराजित करेंगी। उसी प्रकार कल भी वो तुम्हें पराजित करेंगी। उसी प्रकार कल भी वो तुम्हें पराजित करेंगी। मेरा हृदय हताशा और निराशा से ग्रस्त हो रहा है। श्री माता ललिता की जय। श्री माता ललिता की जय। श्री माता ललिता की जय। ये कैसा अनर्थकारी संकेत है? नहीं, भंडासुर हूं मैं, पराजय स्वीकार नहीं मुझे। असुर मानक,
क्या अब ये देवी तो अब हमें भी? असुर महानायक का क्रोध देखकर तो मेरा चुप रहना ही उचित होगा। प्रणाम मग। प्रणाम माता। कल्याण। आज आप तीनों देवियों संसार के समक्ष एक अद्वितीय साहस और पराक्रम का शेष उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसीलिए देवी तिरस्कारिणी, देवी दंडीनाथा, देवी बसंती, आज से जो भी आपकी आराधना करेगा वो किसी भी युद्ध में भयभीत हुए बिना विजय प्राप्त करेगा। माता, आज की ये विजय तो आपकी कृपा से ही संभव हुई। हमारा अस्तित्व तो आपसे ही है माता, आपकी शक्ति का अंश है हम, आपकी कृपा ही हमारी शक्ति का स्रोत है माता। आप तीनों ने युद्ध स्थल में कठिन समय बिताया, इसीलिए अब ये आपके विश्राम का समय। क्या हुआ, आप सभी कुछ कहना चाहती हैं क्या? माता, रात्रि भर के विश्राम से जितनी शक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं उससे कहीं अधिक शक्ति हमें आपके विजय के रूप में, आपके जगराते के रूप में मिलती है। हाँ माता, हमें रात्रि भर आपका भजन कीर्तन करने की अनुमति दीजिए। उचित। धन्यवाद माता। अब ये रात्रि हमारे शत्रु दुष्ट भंडासुर के हृदय आज की पराजय से भी अधिक विचलित करेगी। ये एकांत मुझे और भी कष्ट दे रहा है। अनेकों आशंकाओं से घिरे इस मन को कैसे शांत करूं? क्रोध से हो भयभीत ब्रह्मांड। कहां गया तुम्हारा क्रोध भंडासुर? शत्रु नारी पर क्यों नहीं बरस रहा है? लोभ से आती है शक्ति। उनके रथ रथ जो अभी तक तुम्हारे हो जाने चाहिए थे, उनका लोभ शांत क्यों नहीं किया तुमने? काम के वश में है संसार और तुम्हारी काम इच्छा नारियों को वश में करने की, उसका क्या हुआ? ईर्ष्या से मिलती है सत्ता। एक नारी को विजयी होता देख तुम्हारी ईर्ष्या क्यों नहीं जागृत होती है? मोह पाश में सब संसार। तुम्हारा सिंहासन, उसका मोह नहीं सता रहा है तुम्हें? तुम्हारा अहंकार भी नष्ट हो गया क्या? सिंहासन पर गर्व नहीं रहा तुम्हें? यही होता रहा तो कौन सम्मान करेगा महान असुर भंडासुर का? मोह करो अपने सिंहासन से, अहंकार ही तुम्हारा वस्व है। अपने ईर्ष्या से ही भस्म करो उसे। क्रोध करो भंडासुर, क्रोध करो। अहंकार अपने सिंहासन लोग को जागृत करो, अहंकार लोग मर जागृत करो भंडासुर। अपने अहंकार जागृत करो भंडासुर, अपने अहंकार लोग मर जागृत करो भंडासुर। अपने सिंहासन। पिताजी, पिताजी, आप कहाँ है पिताजी? कहाँ है पिताजी? कहाँ है पिताजी? कहाँ है पिताजी? किसका स्वर है ये? कौन? कौन है यहाँ? उधर क्या देख रहे हैं? मैं तो यहाँ हूँ।
देखा तो सही दिशा में देखा तो मैं आपके सामने आ गई ना पिताजी। मोहिनी? वो तो मेरी माता है, मेरा नाम तो रश्मि प्रभा है। वे मोहिनी की पुत्री है ये? वे मोहिनी की? रश्मि प्रभा? हाँ पिताजी, आपकी पुत्री रश्मि प्रभा। पिताश्री, यहाँ कुछ बुरा हुआ है, आपका कुछ खो गया है जो आप इतने अंधकार में गिरे हैं। नहीं पुत्री, कुछ खोया नहीं। अभी तो तुम्हारे यहाँ आने से मुझे तो आनंद का कारण मिल गया है। अब किसी अंधकार का कोई स्थान नहीं। किंतु तुम अभी तक कहाँ थी पुत्री, और आज अचानक यहाँ? अचानक कहाँ पिताश्री, मैं तो कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। जब मैंने माता से पूछा कि मेरे पिताश्री कौन है, वो हमसे मिलने क्यों नहीं आते, तो माता ने मुझे आपके बारे में बताया। अच्छा, तो फिर क्या बताया तुम्हारी माता ने मेरे बारे में? यही कि आप महानायक भंडासुर है और भोलेनाथ के परम भक्त है, अतः उनके दर्शन करने मानसरोवर अवश्य आएंगे, तभी हमारी भेंट हो पाएगी। इतना कहकर पता नहीं माता कहाँ अदृश्य हो गई, तब बहुत दुख हुआ मुझे। परंतु आप तो आए नहीं, लेकिन आपसे मिलने की आशा मैंने नहीं छोड़ी। फिर यहाँ अमरपुर से मुझे सिर्फ मंत्रों का स्वर सुनाई दिया, तो मुझे लगा ये मेरे मान शिव भक्त पिताश्री का स्वर होगा, तो मैं यहाँ चली आई और आप मुझे मिल भी गए पिताश्री। अब पूर्ण व्यवस्था हो चुकी है तो हमें जगराता आरंभ करना चाहिए। हाँ, अब कोई भी विलंब उचित नहीं। किसी अपरिचित की गंध क्यों आ रही है मुझे? कोई शत्रु भी है क्या यहाँ? ये कैसा स्वर था? यहाँ तो कोई भी नहीं है, किंचित मैं अधिक विचार कर रही हूँ। अभी जगराते के शुभ अवसर पर मुझे अपना ध्यान भक्ति और सकारात्मकता की ओर ही केंद्रित करना चाहिए। मुझे शीघ्र ही ज्येष्ठ भ्राता को सूचित करना होगा, क्योंकि उत्सव का समय है, और ऐसे समय में जब शत्रु असावधान हो तो ऐसे में उन्हें अपने आक्रमण से चकित करने का सबसे उचित समय होता है। अभी ये देवियां भजन कीर्तन करेंगी और मैं इनके विनाश का उपाय करूंगी। युद्ध जीवन की चुनौतियों से हो या शत्रु से, विजय सच्ची लगन और कठिन परिश्रम से ही मिलती है।